करना, उनके लिए गोष्ठियां चलाना, ये रहा मेरा काम पूरे इंडिया में रोज। ऐसी घटना आने पर काफी उसके ऊपर चिंतन करता था, ये क्यों हो रहा है, इसका समाधान क्या है। तो इसका कारण भी समाधान भी एक ही चीज में आकर टिकी है, वो है हम शिक्षा के बारे में क्या समझते हैं, शिक्षा का मकसद क्या है, शिक्षा की परिभाषा हम क्या समझते हैं, क्यों हम हमारे बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए दौड़ते हैं, अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन कराना चाहते हैं, वाई क्यों हमारे स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, क्यों बच्चों को शिक्षा में इतना पैसा खर्च करते हैं, क्यों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मकसद क्या है। काफी अध्ययन करने के बाद एक महापुरुष संत जिसने बात किया 150 साल पूर्व, एक महान संत इस देश में रहा करते थे 150 साल पूर्व, उसका नाम है आप सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। प्यारे दोस्तों, 150 साल पूर्व स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का मकसद के बारे में जो बात किया है आज भी सार्थक है, उससे बेहतर परिभाषा मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। स्वामी जी क्या बोलते हैं ध्यान से सुनिए, स्वामी बताते हैं हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे व्यक्ति का चरित्र का निर्माण हो, पहला उद्देश्य, मानसिक ताकत बढ़ जाए, दूसरा मकसद, बुद्धि का विस्तार हो, तीसरा मकसद, जिससे व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े हो जाए। वी नीड एन एजुकेशन दैट बिल्ड्स कैरेक्टर, इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, एक्सपेंड्स द इंटेलेक्ट बाई विच ही और शी स्टैंड्स ऑन हर ओन फीट। बच्चों को अपने पैरों पर खड़े करना ही हमारे सबका लक्ष्य है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, अमेरिका चले, लंदन चले, जमीन हो, मकान हो, कार हो, बैंक में बैलेंस हो, हम सोचते हैं बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गया, नहीं। स्वामी जी बताते हैं एक व्यक्ति को पैरों पर खड़े होने के लिए तीन चीज की जरूरत है, सबसे पहले चरित्र निर्माण। आप सब बताएंगे हाँ हाँ सही है, हम बच्चों को चरित्र का निर्माण जरूर देते हैं, बड़ों का पैर छूने के लिए बोलते हैं, सुबह उठने पर पूजा पाठ करने के बोलते हैं, और हो सके तो उनको मंदिर में ले जाते हैं, लोकल हम ले जाते हैं, और उसके अलावा छुट्टियों में हम उसको लेकर तिरुपति जाते हैं, वैष्णव देवी जाते हैं, काफी तीर्थ पर हम जाते हैं बच्चों को लेकर, चर्च के लो ईसाई हो तो चर्च में जरूर ले जाते हैं हर संडे, मुसलमान लोग 5 बार नमाज करना सिखाते हैं उनको, रोजा रखते हैं, हम सोचते हैं चरित्र का निर्माण हो रहे। और आपको मालूम हमारे देश में स्कूल कॉलेज की संख्या से ज्यादा मंदिर मस्जिद गिरजाघर है, स्कूल कॉलेज से भी अधिक संख्या में यहां पर मंदिर मस्जिद गिरजाघर और गुरुद्वारे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं देश का चरित्र कहां पर है, देश के चरित्र कहां पर है, क्यों हम इतने सारे भ्रष्टाचार इस देश में हो रहा है, सभी मंत्री, सभी नेता, सभी व्यवसायी, सभी प्रोफेसर पूजा किए बिना घर से निकलता नहीं है, फिर भी इस देश में इतने भ्रष्टाचार क्यों हो रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। सीधा द्रौपदी की पूजा करने वाले इस देश में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ अपमानित किया जाता है महिलाओं का, क्यों, कहां पर हमारा आध्यात्मिकता, कहां है हमारे देश का चरित्र। इतने सारे मंदिर मस्जिद में ईश्वर की पूजा करने वाले हम, क्यों धर्म के नाम पर लड़ाई क्यों हो रहा है, हमने कब
सोचा इसको कहां है देश का चरित्र। आध्यात्मिकता प्यारे दोस्तों कर्मकांड से आध्यात्मिक कोई बनता नहीं, धार्मिक जरूर रहेंगे हम, अपने अपने धर्म के बहुत ही बड़े धार्मिक हैं हम सब, लेकिन आध्यात्मिकता कहां है? आध्यात्मिकता में आते ही है नैतिकता। आध्यात्मिक व्यक्ति में नैतिकता आती है। और स्कूलों में भी बड़े मोटे मोटे किताब है वैल्यू एजुकेशन का, नैतिक शिक्षा के, परीक्षा भी ले जाते हैं ना लुसामी, परीक्षा भी होते हैं। ये जो माहौल क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? अब एक बात पूछूं, दो उदाहरण चरित्रवान कौन है उदाहरण के लिए बताओ। हम सब रेलवे स्टेशन जाते हैं, कभी कभी हमको सफर करने के लिए हमारे पास टिकट जरूर रहते हैं, आजकल बिना टिकट कोई सफर नहीं करते हैं। और किसी को छोड़ने के लिए हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, अरे किसी को स्वागत के लिए हम रेलवे स्टेशन जाते हैं। रेलवे स्टेशन के अंदर घुसने के पहले हमको क्या करना है? प्लेटफॉर्म टिकट लेना है, सही है ना? आप में से कितने लोग भले ही वहां चेकिंग नहीं है फिर भी लाइन में रहकर 15-20 मिनट लाइन में रहना पड़ेगा? प्लेटफॉर्म टिकट लेकर हर बार स्टेशन में जाने वाले कितने जने हाथ उड़ाओ? अरे ओ ताली बजाओ भैया, सब ताली बजाओ, बढ़िया ठंड का मौसम है, इतना बढ़िया। पहली बार पूरे इंडिया में मैंने हाथ उड़ाने के बोला प्लेटफॉर्म टिकट लेने वाला कितना, इतनी संख्या में हाथ उड़ाया पहली बार देख रहे। स्वामी जी आपके सब पेरेंट्स कितने ईमानदार हैं, बाप रे बढ़िया तारी। ऐसा नहीं करूंगा, वादा है मेरा। बहुत अच्छा लगा प्रिंसिपल ने बता दिया। बहुत सारे लोग हम लोग इतना ध्यान नहीं देते, अरे ये 10 रुपए की बात ही क्या है। आप उदाहरण बताओ, अगर आप जो प्लेटफॉर्म टिकट ले रहे स्टेशन के 5 मिनट चलने पर पहुंच सकता है, लेकिन आप आधा घंटा पहले निकलते हैं, आपका छोटा बेटा पापा इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं, 5 मिनट में पहुंचेगा, आप बोलेंगे नहीं बेटे प्लेटफॉर्म टिकट लेना है हमको ना, वहां पर भीड़ होगा, अलग लाइन नहीं है, 15-20 मिनट हमको पहले जाना है। और आपका बेटा देखता रोज आप प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं आधा घंटा पहले आकर 20 मिनट वहां खड़े होकर प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, वापस आने पर कोई चेकिंग नहीं है, आप वापस आते हैं, बहुत सारे लोग बिना टिकट गए वो भी वापस आया, आप भी वापस आ रहे बेवकूफ बन के। लेकिन आपको मालूम बार बार आपके बेवकूफी देखने से आपका बेटे को आपने ईमानदारी का प्रथम लेसन पहला पाठ पढ़ाया है। और आपका बेटा बड़ा होने पर चाहे वह बैंक में हो, सरकारी दफ्तर में हो, यहाँ पर सभी लोग रिश्वत लेने वाला, पैसा इधर उधर रखने वाला, आपका बेटा जिंदगी भर एक पैसा इधर से उधर नहीं रखेगा, क्योंकि आपने उसको नैतिक शिक्षा का पहला पाठ आपने सिखाया। ये पाठ आपको स्कूल से उम्मीद मत करो, उम्मीद नहीं मिलेगा ये शिक्षा। स्कूल में आपको अंग्रेजी कैसे बोलना है, स्पेलिंग कैसे लिखना है, ग्रामर कैसा है वो सिखाया जाएगा, साइंस फॉर्मूला सिखा देंगे, मैथ्स का फॉर्मूला सिखा देंगे, अलजेब्रा ज्योमेट्री ये सब सिखाएगा, वैल्यू एजुकेशन क्लास जरूर होगा, लेकिन असली नैतिक शिक्षा, असली चरित्र का निर्माण आपके आदर्श से आपका बच्चा सीखेगा। याद रखिए बात, ये याद रखिए। उसी प्रकार हम मां बाप की एक बड़ी चिंता है, मेरा बेटा क्लास में टॉप में आए, सबकी चिंता है क्लास में टॉप में आए। हमारे बच्चे का मार्क देखने से ज्यादा पड़ोस के बच्चों का मार्क, हमारे कजिन के बच्चे का मार्क देखना हमारे लिए ज्यादा पसंद है। एक बार आपका बेटा हमेशा 80 मार्क ले आ रहे या A+ लेके आ रहे, और इस बार बेटा 50 मार्क लेके आया, बहुत कम, बिल्कुल आधे से ज्यादा कम मार्क, क्या हुआ बेटा ये क्या हुआ इस बार? आपका बेटा बोलेंगे पापा इस बार का परीक्षा बहुत टफ था, बहुत सारे सवाल आया, हम पढ़ाई नहीं किया था तो इसलिए मैं लिख नहीं पाया। तो पापा बोले आप पूछेंगे देखो आपका पड़ोस का वो संजू तुमसे बड़ो कमजोर है, उनको तो A+ मिला रहे, तुम्हारे कजिन जो गुड्डू है उसको भी
मिला एक प्लस, तुमको क्यों नहीं मिला, वो तुमसे कमजोर है। तो आपका बेटा बताए पापा ये परीक्षा पेपर टफ था, टीचर लोगों ने आंख बंद कर दिया, सोचा बच्चों को थोड़ा नकल करने दो, तो सब लोग इधर पूछ के उन्होंने लिख दिया, इसलिए मार्क मिला, उसको पकड़ा नहीं था। लेकिन मैंने निर्णय लिया जितना मैंने पढ़ाई किया वही लिखने का, इसलिए मुझे मार्क कम मिला। आप लोग क्या करेंगे, आप में से कितना होगा ये सुनने पर आपके बेटे को गले लगाकर ये बताएंगे, बेटे शाबाश बेटे शाबाश, मुझे तुम पर गौरव है। इस बार भी आप बड़ा ईमानदार हैं क्योंकि 6-7 हाथ ऊपर आया, ईमानदारी के कारण आपने हाथ उठाए नहीं, बहुत बड़ी बात है। और अधिकांश लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहेगा, देखो भैया सभी लोग नकल कर रहा था, पकड़ा नहीं जा रहा था, टीचर लोगों ने भी उसका अंग बंद कर दिया, तो फिर क्यों तुम सत्य हरिश्चंद्र बनने गया। अरे ये बताएं, ये जमाना है, बदल गया बेटे, सत्य हरिश्चंद्र का जमाना नहीं है। और इसके साथ एक बड़ा फेमस सब्जेक्ट एक्सप्रेशन आप करेंगे, हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, बेटे तुमको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है, थोड़ा व्यवहारिक बनो, ये सत्य हरिश्चंद्र का काम नहीं चलेगा, समझे। क्यों हमारी चिंता है, जब तक उनको 90.98 नहीं है, कट आउट मार्क नहीं है, तो उनको फलाने जगह पर एडमिशन नहीं मिलेगा, चिंता है। और बच्चों को इतना दबाव में हम डालते हैं, इसके कारण भी बच्चे खुदकुशी करते हैं, याद रखिए। आप हर खुदकुशी का कहानी आप अखबार में पढ़ते समय थोड़ा रिसर्च करो, मैंने देख लिया इसका, इसलिए लोग मर जाते हैं बच्चे लोग। इंदौर में एक सेंट्रल स्कूल की एक लड़की 11वीं की, एक दिन सुना पास वाले एक बड़ा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाकर ऊपर से कूद कर हत्या की अपने आप, छीन लगा। मुझे पता करना क्या बात है, मैं उस परिवार को जानता नहीं था, फिर भी माई ढूंढ के वो परिवार में गया, थोड़ा सांत्वना देने के रूम में मैं गया, उनके पापा मम्मी को मिला, बातचीत किया, उसके बाद मैं दूसरे किसी लोगों से पता किया तो कि बात क्या है, पापा की बहुत इच्छा है ये लड़की को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, दबाव डालते रहा चार्टर्ड अकाउंट बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, लड़की का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं थे। और बता 3-4 दिन वो स्कूल भी नहीं पहुंचे, लेकिन स्कूल वाले ने भी पता नहीं किया कहां पर है लड़की, हम लोग ध्यान भी नहीं देते ये बातें नहीं है, तो माँ बाप को फोन करके पूछना है आपकी बेटी आए नहीं, क्या बात है, बीमार है, आपके लिए लगन है, पूछा नहीं। उस बच्चे के आत्महत्या नहीं है, उनके पिताजी ने उनको हत्या किया है, मैं ही बोलना चाहता हूं। तो इसलिए ज्यादा महत्वाकांक्षी होकर बच्चों की रुचि क्या है, ये रुचि को देखकर हम उसको उस लाइन में डालना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने आमिर खान के फिल्म तीन इडियट फिल्म देखा है, हाथ उड़ाओ। अरे यहां बहुत सारे लोगों ने देखे, जिसने देखा ये देख लीजिए। और बहुत सारे लोगों ने आमिर खान का फिल्म देखा है, और आखिरी में आप लोग रूमाल लेकर आपका आंख भी पोसा होगा, है ना, भावुक होकर आंख में जरूर आंख आंसू आया होगा, क्यों था आया ना, रुमाल लिया आपने, फिर भी हम लोग पसंद करते हैं इडियट का काम करने का, थ्री इडियट्स बने रहते हैं हम लोग, क्योंकि हाँ देख लिया ये सब भावुक हो गए, फिर भी नहीं मेरे बेटा इंजीनियर बनना है। हम हमारे अधूरे सपने को बच्चों के ऊपर थोपता है, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, मेरे बेटे किसानी नहीं करना उनको इंजीनियर बनाना है, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है क्योंकि मेरे कसिन और चाचा के बेटे सब डॉक्टर बन गया, वो अभी अमेरिका में है, देखो पैसा है बनो बेटे डॉक्टर बनो, उसके लिए 50 लाख एक सब 1 करोड़ भी देने को तैयार है कहीं भी जाकर सीट लेने के लिए, इससे बड़ा वायलेंस और कुछ नहीं है। आप बड़ा हिंसा कर रहे हैं बच्चों के साथ, आपको चाहिए अगर आपका बच्चा अगर कारपेंटरी में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं उसको बताओ बेटे कारपेंटर बनो, कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कारपेंटर बनो बेटे। अगर आपको टेलर बनना है टेलर बनो,
आजकल टेलर नहीं है, फैशन डिजाइनिंग बोलते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे अच्छा टेलर बनो। अमेरिका का प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट आपके सामने चपट में आकर खड़े रहना चाहिए सिलाई करवाने के लिए। यू बिकम द बेस्ट, कुछ भी बनो, खेती किसानी करो, 100 एकड़ जमीन है और सबसे अच्छे किसान का अवार्ड हर साल लेते आओ। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अगर हम बच्चों को डांस सिखाने भेजते, मैं देखते हैं छोटे बच्चों को साफ डांस सिखाना पड़ा, उस पड़ोस के बच्चे जाते हैं, ये जाते कदम में हम भी डालेंगे, पैसा देके भेजते हैं, और 9वीं क्लास के बाद बस अभी बर्दनाट्यम सब बोर्ड पर रिटायर, तुम्हारा खत्म, बस खत्म, उसके बाद अलविदा, डांस से अलविदा, म्यूजिक से अलविदा, बोर्ड पर रिटायर तुम्हारा नंबर लाओ। अगर आपकी बेटी डांस में एक्सपर्ट, बोलो डांस में एमए करो, पीएचडी करो बेटी, दुनिया के सबसे टॉप भरतनाट्यम वाली बनो। दैट इज व्हाट यू हैव टू गिव, सामान्य नहीं बनो, अलग पहचान दे दो। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एज पेरेंट्स, ये याद रखना। एक्सलेंस, सामान्य नहीं बनो। सामान्य डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने में क्या फायदा है, पैसा तो कमाएंगे, ये एक बात है। अब दूसरी बात मानसिक ताकत की है। हमारे परिभाषा में स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, मानसिक ताकत बढ़ाओ। अब देखिए, आपके शरीर में कमजोरी है, आप डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर आपको कोई टॉनिक लिख के देंगे, है ना, वो टॉनिक लेंगे तो आपका ताकत आएगा। और फिट होने के लिए हम जिम में भी जाते हैं, पता नहीं इसमें से जिम में जाने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उड़ाओ, जिम में रोज जाने वाला, हाँ बहुत कम लोग हैं, थोड़ा और आगे जाएगा शहर की ओर जाएगा तब प्रायः 80-90 लोग जिम में जाने वाला है, मम्मी लोग भी पापा लोग भी, फिट रहने के लिए। और ब्यूटी पार्लर में जरूर महीने में एक बार नहीं तो 2 महीने में एक बार जाएंगे, है कि नहीं, कितने लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर में, कम से कम 3 महीने में एक बार, शर्माओ मत, बड़ी अच्छी बात, क्योंकि अपने फिटनेस और ब्यूटी के लिए, ये ठीक है, फिटनेस के लिए जिम में है, और तबीयत को मजबूत करने के लिए टॉनिक है। हमें पता मानसिक कमजोरी आते हैं, इच्छा शक्ति नहीं है, स्टैमिना, मेंटल स्पिरिचुअल स्टैमिना कम होने पर इसको कहां से लाएंगे बताइए, बोलेंगे योगा करो, आर्ट ऑफ लिविंग मेडिटेशन में जाओ, श्री श्री रविशंकर का कई लोग जाते हैं, और कुछ लोग जरूर जाएंगे तीर्थ पर, फिर भी आपका मानसिक ताकत बढ़ता ही क्या? ये मानसिक ताकत, यह शिक्षित व्यक्ति का स्वभाव है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षित व्यक्ति में चरित्र होगा, मानसिक ताकत होगा, अभूतिक विस्तार होगा। ये मानसिक ताकत कहां से लाएंगे बताइए? इसके लिए हमसे भी गरीब परिस्थिति में रहकर गुजरकर जो महान बन गया उनकी जीवनी के बारे में हमको पता चले। हमसे भी बड़े बुरी परिस्थिति में रहने वाले कैसे वह संतुष्ट रहते हैं,